बजे का खालका, 5 बजे की फतेह। मैं सब तो मित्र का धन्यवाद करती हाँ सिरसा भगत सिंह हॉल के मैं इतने बुलाने वास्ते और मैं बोलने का मौका देने वास्ते और मेरिया बीबिया मेरिया मावं जीडिया इन्नी गर्मी के इतने बैठिया ने। मैं सब तो पहले बसंत कौर जिड़े 99 ईयर्स ओल्ड आ वो इतने बैठे है साढ़े बच्चे। तो साढ़े यूथ को इस गल की इंस्पीरेशन लैनी चाहिए है कि इन्नी बजुर्ग माँ साढ़े बच्चे इतने बैठी है साढ़े हकों वास्ते साढ़े बजुर्ग बाबे भी 100-100 साल ने असी 85-85 साल के इतने आ गए साढ़े अंदोलन के इतने सू एक एकजुट देखने वास्ते और एक मोर्चे को मजबूत करने वास्ते बैठते हैं कि साढ़े यूथ को भी वो इस अंदोलन के नाल जुड़ना चाहिए है और खास करके मेरे उम्र दियाँ मेरिया भैनों भी इस अंदोलन के अगे वध चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए है। अज सिरसा के दुष्यंत चौटाला के घर के सामने एक धरना लाने के पिछे यही एक गल है कि अज जो असी वोटा पाइया ने इन लोगों जिन्होंने चौधरी देवी लाल के नाम के उत्ते थोड़े को वोटा लाइया उन्होंने अच्छे नाल विश्वासघात गवर्नमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट को यह मौका नहीं देना पौगा। यही एक लड़ाई है साड़ी अर्थ की लड़ाई है ये असी जीत के ही रहेंगे। इस मजबूत करने वास्ते मोर्चे को मजबूत करो मोर्चे से वध तो वध लोगों को जोड़ो और वध तो वध यहोजे MLA का घराव करो यहोजे लोगों को लालसा पाओ जिहड़े लोग अज तुहाडे वास्ते खड़े नहीं गए। सो मैं यही कुछ शब्द कहना चाहती थी तुहाडे सारयां दे सामने। किसान एकता जिंदाबाद देखिए आंदोलन तो चढ़ती कला में है टिकरी बॉर्डर सिंगू बॉर्डर सारे बॉर्डर्स पे पर ये है कि यहाँ सिरसा पहुँचे हैं एक और संगठन को मजबूत करने के लिए यहाँ पर लोगों को और धन्यवाद करने के लिए और उनको बोलने के लिए कि गांव-गांव में से और लोगों को थोड़ी तेज़ी लानी पड़ेगी टिकरी बॉर्डर के वहाँ पर आने के लिए। वहाँ पे किसानों की संख्या अब कितनी है क्योंकि मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं बहुत थोड़े किसान में बचे हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है किसान धान लगाने के लिए घर पे आते हैं और चले जाते हैं और किसानों ने अपनी एक ड्यूटी बना रखी है लाइक कुछ जैसे पंजाब में भी एक संगठन है 15 लोग जाते हैं 15 लोग वापस आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि गिनती कम हुई है टिकरी बॉर्डर में जितने टेंट आप पहले देख रहे थे वैसे ही है। इनको ज़रूर ये लगता होगा कि टेंटों के अंदर लोग कम हैं पर लोग जाते आते हैं पर एक कॉल अगर ये देंगे किसी भी तरीके की पूरा हरियाणा पूरा पंजाब वहाँ पर इनको मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में अब मारकाट होने लगी है कत्ल होने लगे हैं बलात्कार होने लगे हैं। इस बयान को आप कैसे देखते हैं क्योंकि आप वहाँ लगातार 6 महीने से मौजूद हैं। सरासर झूठे इल्ज़ाम है ये क्योंकि मैं पिछले 7 महीने से इस आंदोलन में हूँ ना तो किसी का बलात्कार हुआ है। जितनी इज्जत हमें इस आंदोलन के दौरान मिली है मुझे नहीं लगता मुझे इससे पहले कभी मिली होगी। किसान वहाँ बैठे हैं किसान की बेटियाँ वहाँ पर हैं हम भी किसान की बेटियाँ हैं तो हमारे साथ ऐसा कुछ गलत हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात ये मैं खट्टर जी से पूछना चाहूँगी अगर इतनी फिक्र है उनको हमारी तो हमें सड़कों के ऊपर क्यों बिठा रखा है फिर तो 3 बिल रद्द करवा देने चाहिए और घर भेज देना चाहिए। मैं सिरसा के लोगों के लिए ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो इंसान आप लोगों के लिए इस्तीफा दे और कोई भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी MLA यहाँ पर आपका हरियाणा में कोई इस्तीफा दे तो उसका समर्थन करना चाहिए। जो हमारी एक सरकार को गिराने के लिए और सरकार हमारे किसानों की मजबूती के लिए जो कदम उठाए और बाकी भी जितने भी MLAs हैं उनके ऊपर दबदबा डालना चाहिए
चाहिए कि वो हरियाणा में सरकार गिरा सके किसी तरीके से, ताकि हरियाणा की गवर्नमेंट अगर गिरती है बीजेपी की तो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी बड़ा दबदबा पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा MLAs के ऊपर दबाव डालना चाहिए, और जो MLA ने इस्तीफा दिया है लोगों के हक में, उनका समर्थन करके दूसरे MLOs के ऊपर भी दबाव डालना चाहिए, ताकि सरकार हमारे किसानों के आगे झुक जाए। किसान मोर्चा ने एक फैसला किया है कि अब माइक है या मंच है उस पर कोई नेता नहीं बोलेगा। इससे पहले जो कुछ लोग जा रहे थे या राजनीति हो रही थी आंदोलन में, ऐसा कुछ नहीं है। ना तो आंदोलन में आज तक राजनीति हुई है ना होगी। किसान लीडर पहले दिन से, संयुक्त किसान मोर्चे के जो लीडर पहले भी थे और आज भी हैं, हाँ हमने ये ज़रूर बोला था कि जो कोई इंसान किसानी हक में इस्तीफा देता है वो ज़रूर आके किसानी आंदोलन में बैठ सकता है, बाकी जो कोई कोई पोजीशन पे है हम उनको पार्टिसिपेट करने से मना करते हैं। सोनिया जी, बातचीत बंद है 22 जनवरी के बाद, क्या उम्मीदें हैं नरेंद्र मोदी से, प्रधानमंत्री से, कि दोबारा रास्ता खुलेगा बातचीत का? या देखिए, बातचीत का कोई लेना देना नहीं है अभी गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि बंगाल की पीछे इलेक्शंस हुई थी, बंगाल के इलेक्शंस में भी देखिए आपने हमारे किसान लीडर भी गए थे और किसानों का कितना दबदबा था कि वहाँ पे भी भाजपा की सरकार किस तरीके से नहीं आई। और आने वाले टाइम पे 22 के इलेक्शन में भी आपको पता है कि यूपी उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ से देश का प्रधानमंत्री तय होता है, तो आने वाले टाइम पर भाजपा को वहाँ पर भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, और उससे ही हमारी जीत है। जब हम सरकार ही गिरा देंगे उससे बड़ी जीत कोई नहीं हो सकती। देखिए, अलग अलग जथेबंदियाँ पहले से हैं, हर कोई संगठन अलग अलग है, तो ये राजनीति नहीं हुई। हर कोई संगठन के अपने अपने संविधान हैं, हर कोई लोग अपने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट डिफरेंट लोग भी तो परेशान हो रहे हैं ना, वो कहते हैं हम जथेबंदियों से परेशान हो चुके हैं, हम तो ये पॉलिटिक्स को पहले कट कर रहे हैं, और ये नई नई जथेबंदियाँ करना हमारे ऊपर दबाव है, काफ़ी जो लोग हैं वो टूट के घर भी तो बैठ चुके हैं ना इस चीज़। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई टूटे हुए लोग घर पर नहीं बैठे हुए देखे। जथेबंदियाँ लोगों के लिए होती हैं, और लोग जथेबंदियों से क्यों परेशान होंगे? जथेबंदियाँ तो लोगों के लिए काम करती हैं, लोगों के हकों के लिए बात उठाती हैं। जथेबंदियों को कौन सा कोई गवर्नमेंट से पे मिल रही है, जथेबंदियों को कौन से पैसे मिल रहे हैं जो जाके वहाँ बैठेंगे? हमारे हकों के लिए बैठे, उनको क्या ज़रूरत पड़ी, वो भी अपने घर जाके AC के कमरों में बैठ जाए। नहीं तो